हेलो, वेलकम। आज हम लोग सीखेंगे रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब एक ऐसा टैब है जिसको कि ज़्यादातर वर्ड सीखने वाले लोग इस टैब पे जाते ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या है, जबकि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज है। लेकिन एक है कि एक बिगनर, एक एंट्री लेवल पे शायद इसका यूज उतना नहीं पड़ता है, इसलिए लोग इसको नहीं सीख पाते हैं। बट एक एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाने में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज है। ओवरऑल जो रेफरेंसेस टैब है, ये कहीं ना कहीं से एक तरीके से हाइपर लिंक से जुड़ा हुआ है। आप अपने डॉक्यूमेंट में तरह तरह के लिंक्स देते हैं, जैसे यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या है यूज? टेबल ऑफ कंटेंट्स हम सभी लोगों ने देखा है, जो हमारे बुक्स में आगे की तरफ होता है कि कौन सा चैप्टर है, किस पेज नंबर पे है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, उस टाइप का। आप अगर वर्ड में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपको फ्रंट में ही जैसे बुक्स टाइप की चीज़ें पब्लिश करनी हो, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स है। और टेबल ऑफ कंटेंट्स से ही जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं। तो ये जो हमारा पेज आप देख रहे हैं, ये टोटल 5 पेजेस हैं इसमें, और हमने ये टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आपको इसका प्रैक्टिस करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बनाना होगा, उसमें आपको जैसे ये जो है, ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, ऐसे करके आपको एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। फॉर्मल डॉक्यूमेंट का मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया हार्डवेयर, तो आपको इसको जो है, इसको हेडिंग से, यहाँ से हेडिंग 1, हेडिंग 2, इस टाइप से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप टेबल ऑफ कंटेंट्स और भी कई सारी चीज़ें उनको समझ पाएंगे। सिर्फ उसका फॉन्ट से हाइट विड्थ फॉर्मेटिंग करने से नहीं होगा, आपको पर्टिकुलर सेक्शन को हेडिंग्स में चेंज करना होगा, तभी जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स बन पाएगा। तो हमने ये बनाया हुआ है, तो इसमें बहुत सारे हेडिंग्स हैं, बहुत सारे बुकमार्क हैं। तो जब तक आप हेडिंग, बुकमार्क, एंड नोट फुटनोट तो इसी सेक्शन में है, लेकिन हेडिंग आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स बन पाएगा। हेडिंग क्या होता है? हेडिंग आपको जो भी टेक्स्ट है आप सेलेक्ट करिए, होम टैब पर आइए, और ये हेडिंग 1, 4 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स हैं, जिसको भी आप चाहे लगा लें। ठीक, तो देखते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में मैंने प्रॉपर हेडिंग बनाया हुआ है। ओके, नाउ हम एक ब्लैंक पेज करते हैं इंसर्ट। ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए क्या करना है? शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर, पेज ब्रेक हो गया, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने, क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग बनाना है, तभी टेबल ऑफ कंटेंट्स हो पाएगा। तो मेरे इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी सब हेडिंग बने हुए हैं। हेडिंग का मतलब जो जो टॉपिक्स हैं उसको हाईलाइट करने के लिए हमने उस पर हेडिंग का इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है। ओके, नाउ आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ गए, तो ये विंडो आपको दिख रहा है। इसमें तरह तरह के हेडिंग्स के ऑप्शन हैं, तो आपको जो भी लगाना है आप उसको चूज कर लें। फिलहाल मैंने कंटेंट्स वाले ऑप्शन को लगाया, देखिए वो पहले पेज पे नहीं आया, इस पेज पर आया, देखिए ये। जैसा कि हम लोग बुक में देखते हैं, देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक किस पेज पे मिलेगा? पेज नंबर 2 पे। व्हाट आर कंप्यूटर किस पेज पे मिलेगा? पेज नंबर 2 पे। ऐसे आप देख सकते हैं, एक ओवरऑल तो आइडिया मिल गया होगा। आप कोई बुक्स टाइप की चीज़ें पब्लिश कर रहे हैं, या कोई एनेक्जर बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस हैं, और टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज, जैसे भी आपको करना है, ये बहुत यूजफुल आपका होगा। आपका डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होगा, ज़्यादा फॉर्मल होगा। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए आपको पर्टिकुलर ये जो टॉपिक्स है, व्हाट कैन यू डू विथ कंप्यूटर्स, अगर आपको यहाँ पे जाना है, तो यू विल हैव टू प्रेस विथ कंट्रोल। कंट्रोल के साथ आप जब क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि ये हैंड के शेप में आ गया है। हैंड शेप इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में एक हाइपर लिंक है। मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आ गया। तो इस तरीके से जो है आप टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए अभी मैं देखता हूँ ये नेक्स्ट है आपका फुट नोट। फुट नोट क्या है? ठीक,
फुट नोट क्या है आपको दिखाने के लिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि कंप्यूटर ओनली इन हंड्रेड INR, मतलब एक तरीके का ये जो है एक अट्रैक्टिव बातें लग रहा, मतलब लग रहा है कि कंप्यूटर सिर्फ 100 INR, मतलब इंडियन रुपीस में, कैसे, हाउ कम इट पॉसिबल, इस टाइप का हम लोग देखते हैं कि ऐड वगैरह में ये रहता है कि हम लोग रेट जो है काफ़ी कम रहता है, मतलब ऐड में हम लोग देखे हैं। अब ये 100 पे क्या है ना कि एक होता है ना एस्ट्रिक लगा रहता है कि नियम हुआ शर्तें, और उस एस्ट्रिक के बारे में कहीं जो भी ऐड है छोटा सा स्मॉल डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि स्टॉक अवेलेबल रहने तक, या रिप्लेसमेंट पे, या आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे रेफरेंस दिखते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्टर सेक्शन के बारे में और भी आपको जानना है तो पर्टिकुलर बुक पे पढ़ें, या कुछ टेक्निकल वर्ड लिखे रहते हैं उसका मतलब लिखा रहता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे वन टू या एस्ट्रिक वगैरह लगा रह रहता है, या ये जो सेक्शन है इसके बारे में और भी कुछ आपको कहना है लेकिन उसको फिलहाल इस करेंट डॉक्यूमेंट में हाईलाइट नहीं करना है, कहीं और दिखाना है, तो आप फुटनोट का यूज कर सकते हैं। रेफरेंसेस में हम आए, इंसर्ट फुटनोट किया, तो यहाँ पे दे देखिए लिख रहा है कि अलाउ ओनली इन रिप्लेसमेंट, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वन बनकर आ गया, और जब हम यहाँ पे माउस लेके जा रहे हैं तो यहाँ तो दिख रहा है, डिजिटल फॉर्म में तो यहीं पे दिख जाएगा, लेकिन आप जब इसको पेपर पे प्रिंट करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट के नीचे की तरफ दिखता रहेगा, जो कि यहाँ पे है अलाउ इन, अलाउ ओनली इन रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इस टाइप से आप अगर चाहें तो फुट नोट वगैरह बना सकते हैं। देखिए फुट नोट है और एंड नोट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि फुटनोट जो है पेज के बॉटम हिस्से में आता है, जबकि एंड नोट जो है एंड ऑफ द पेज पे आता है। चलिए हमने यहाँ पे ये जो हार्डवेयर है इसके ऊपर लगा दिया एंड एंड नोट, तो मैंने लिख दिया लास्ट स्टैंड कुछ भी, और आते हैं लास्ट स्टैंड, और जो हमारा हार्डवेयर लिखा है ये मैंने W के पास मेरा था कर्सर, देखिए लास्ट स्टैंड लिखा है, और आप देख सकते हैं कि पेज हमारे टोटल 5 पेजेस हैं, तो ये पेज नंबर 5 के लास्ट में ऐड हो गया। तो कभी भी आपको कोई चीज़ ऐसा करना है ऐड जिसको कि आप चाहते हैं कि लास्ट पेज पे आए, तो आप यूज करेंगे एंड नोट, और आप चाहते हैं कि उस पेज के लास्ट में आए तो आप यूज करेंगे फुट नोट, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। देखिए बिब्लियोग्राफी क्या होता है, आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई थीसिस लिखते हैं, या कोई रिसर्च वर्क को पब्लिश करते हैं, तो उस समय क्या होता है हमको रेफरेंसेस लिखना होता है कि हमने इस टॉपिक के बारे में कहाँ से पढ़ा, किस किस बुक का हेल्प लिया, किस किस वेबसाइट का लिया, एक तरीके से रेफरेंस हम लोग देते हैं, तो वहाँ पे उस काम के लिए आपका बिब्लियोग्राफी यूज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और जो लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि बिब्लियोग्राफी आपको रेफरेंसेस देना है कि आपने किन किन पेज का किन किन साइट का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए आपको यहाँ पे वर्ड में क्या करना है कि पहले आपको एक लिस्ट मेंटेन करनी है, लिस्ट क्या है आइए देखते हैं, आपको लिस्ट बनाने के लिए इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करना है, ठीक। तो इस पे क्लिक किया, ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू सोर्स पे हम आ गए, तो ये आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पे तरह तरह के हैं चीज़ें, जैसे आपको बुक के बारे में रेफरेंस देना है, सेक्शन जर्नल वॉट एवर आप चूज कर ले, फिलहाल मुझे बुक के बारे में एंट्री दिखानी है कि सपोज मैंने ये इमेजिन किया कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो इस बुक का पढ़ाऊँ, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बुक की एंट्री करनी है, तो मैंने यहाँ पे बुक की एंट्री कर दी, ऑथर मान लीजिए राजकुमार, टाइटल टाइटल मान लीजिए कि हो मतलब सी एन इंट्रोडक्शन, ईयर मान लीजिए पब्लिश हुआ था 2016 में, सिटी हमारा हो गया वाराणसी, पब्लिशर आपका हो गया BPB, ओके किया, एक एंट्री और ऐड कर करते हैं, फिलहाल ये यहाँ पे आ गया इसको आप हटा दें, एक एंट्री और करते हैं, ठीक। एक एंट्री और जो हम करने जा रहे हैं
देखिए यहाँ पर ये दिखने लगा जो हमने ऐड किया है, यू मैंने कैपिटल कर दिया इसलिए ऐसा दिख रहा है। दूसरा हमने किया यहाँ पे न्यू सोर्स, अभी हमने क्या कर दिया यहाँ से सेलेक्ट कर लिया रिपोर्ट। रिपोर्ट में मान लीजिए मैंने लिख दिया कि अमित सिंह के थ्रू ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है, मैं लिया मान लीजिए मैंने लिख दिया एनुअल इनकम और ईयर मान लीजिए 2015 में ये रिपोर्ट बना था, पब्लिश हुआ था टाटा में, सिटी मान लीजिए दिल्ली में, ओके। और रिपोर्ट टाइप मान लीजिए जनरल था या अकाउंट का था, वॉट एवर, ऐसा ही डमी मैंने बना लिया। तो ये एक एंट्री यहाँ पे दिखा देता, फिलहाल आप इसको डिलीट कर दें। और ध्यान रहे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो भी आपका बिब्लियोग्राफी होता है लगता है, खास करके प्रोजेक्ट में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वो अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे या बनाए होंगे तो देखे होंगे, अगर बनाना है तो आप जान लें कि बिब्लियोग्राफी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट रखता है, प्रोजेक्ट पे सब सबके लास्ट में हम लोग रेफरेंसेस देते हैं। अब अगर मैंने दो एंट्री कर ली, वो अगर आपको लगाना है यहाँ पे उसका स्टाइल है कि कैसा आपको चाहिए, फिलहाल शिकागो सेलेक्ट है, मैं शिकागो ही रहने देता हूँ, आप सेलेक्ट करके देख लेना और एंटर करके देख लेना क्या क्या इफेक्ट आता है। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे दो है बिब्लियोग्राफी वर्क साइटेड, तो फिलहाल मैंने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया, देखिए कैसा इफेक्ट आया, ये है। समझ गए होंगे क्या, आप इसको टाइप भी कर सकते हैं लेकिन वर्ड में दिया हुआ है ऑप्शन तो इसका यूज करें, बिब्लियोग्राफी का फिलहाल यही यूज है, ठीक। अब हम लोग आते हैं इंसर्ट कैप्शन, तो इंसर्ट कैप्शन का क्या है यूज, इंसर्ट कैप्शन के लिए हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगाने जा रहे हैं, पेज नंबर 1 पे तो नहीं लगाते हैं, पेज नंबर 2 पर आए हम, यहाँ पे हार्डवेयर पे एंटर किया, पिक्चर लगाया, पिक्चर में मान लीजिए एक पिक्चर मैंने लगा दिया आपका ये, और रेफरेंसेस में आए, फिगर पे आए, तो आप देख सकते हैं कि एक कैप्शन लग गया, जैसा कि हम लोग बुक्स वगैरह में देखें ना फिगर 1 फिगर 2, ये सारी चीज़ें आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, अगर फिगर की जगह और कुछ लिखना है पिक्चर 1 चैप्टर 1 समथिंग समथिंग, तो आप न्यू लेबल पे क्लिक करके एक नया लेबल बना लेंगे, फिलहाल जो ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते, मैंने इस पे ओके पे क्लिक करने जा रहे हैं। अगर आपको नंबर वगैरह चेंज करना है कि जैसे 1 2 3 आ रहा है, रोमन आए, ABC, तो आप इन सेटिंग पे जाके एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने क्या कर दिया फिगर 1, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे दूसरा फिगर लगाते हैं दूसरे फिगर के लिए, और रेफरेंसेस में इंसर्ट फिगर, अपने आप ये आप देख सकते हैं कि कैप्शन चेंज होके आ रहा है, तो फिगर 2 थर्ड पेज पे आ जाते हैं, एक फिगर और लगा लेते हैं, इसके बाद हमने लगा लिया ये हॉर्स एंड फिगर, देख रहे हैं फिगर अपने आप चेंज हो रहा है, कैप्शन अपने आप चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 4 पे और रेफरेंसेस पे कैप्शन ये, तो ये मैंने अलग अलग पेज पे अलग अलग फ़ोटो लगा दिया और फिगर यहाँ पे सब पे अपने आप एक कैप्शन बनकर आ गया। तो एक तो यूज़ देखिए ये है कि आप कोई फिगर लगा रहे हैं उसके नीचे कैप्शन लगाना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरा और जो मेन यूज है वो ये है, जैसे ये जो इंडेक्सिंग बना है हमारा फर्स्ट पेज पे, ये इंडेक्सिंग बना है पेज का, ठीक है, ये इंडेक्सिंग बना है कि टॉपिक्स का, टेक्स्ट का, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं। अगर आपको इसी टाइप का कोई इंडेक्सिंग बनाना है और वो भी फिगर के लिए, तो आप उस चीज़ को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, ठीक। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कर दिया, इस पेज के स्टार्ट पे मैंने लिख दिया फिगर इंडेक्स और इसको साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने, आइए फिगर इंडेक्स बनाना है। ध्यान रहे फिगर लगाना है और उस पर एक ये कैप्शन लगाना है तभी फिगर इंडेक्स बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो हमने क्या किया, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, ये तरह तरह के यहाँ पे पैटर्न दे दिए हुए हैं, जो डिफ़ॉल्ट उसी पे मैंने ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि फिगर 1 फिगर 2 समथिंग समथिंग, जो मैंने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेबल लिया था इसलिए फिगर आ रहा, आप नया लेबल भी लगा सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे वही जैसे पहले होता था कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो सीधे फिगर 2 पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिस भी फिगर पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिगर 3, ये पेज नंबर बात आ रहा है, ये आपका फिगर 2 कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 3 पर, ये हम लोगों ने बुक्स में देखा है। तो
वर्ड का यूज, हालांकि बुक्स के लिए अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन आप इन फीचर का यूज करके चाहे तो वर्ड से बुक्स को भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक, समझे? अच्छा, अब जब बुक की बात हो रही है तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम सभी लोग उसको करते हैं। सपोज मान ले लीजिए कि आपके जो बुक बुक है उसमें थाउजेंड्स ऑफ पेज हैं और आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक को ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढते हैं? आप यहाँ से उस चीज़ को नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ से ढूंढने में बहुत समय लगता है और हो भी सकता है कि वो टॉपिक यहाँ पे ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ द बुक में जाते हैं। एंड ऑफ द बुक में क्या होता है, उस जो है चैप्टर के बारे में इंडेक्स होता है, जैसे कि ए से कितने टॉपिक्स हैं, बी से कितने टॉपिक्स हैं, सी से कितने टॉपिक्स हैं, वो लिस्ट और पेज नंबर लिखा रहता है। तो अगर हम लोग बुक पब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो हमको वो भी जानना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको पहले मार्क एंट्री करनी है। सपोज जैसे हमने एक टॉपिक सोचा आर, हमको ए बी सी डी बनाना है, आर को आप सेलेक्ट कर लें, क्या कर लें, मार्क एंट्री, और यहाँ से जो है ये आपका उसका विंडो आ गया। ये आपको क्या करना है कि क्रॉस रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। क्रॉस रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तभी वो जो है वहाँ पे पर्टिकुलर पेज, जैसा कि हम लोग बुक्स में देखते हैं पेज नंबर वगैरह लिखकर आएगा। फिलहाल हमने क्या किया, क्रॉस रेफरेंस, और यहाँ पे ये किस पेज पे है आप यहाँ से पेज नंबर देख लें, ये है पेज नंबर 1 पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपका 1, सिर्फ 1, और मार्क किया। आपको क्लोज नहीं करना, ये देखिए इंडेक्स का एक टेक्स आ गया, क्योंकि हाइड और शो ऑन है इसलिए ये दिख रहा है, जब हम हाइड और शो को ऑफ कर देंगे तो ये नहीं दिखेगा। अब ए से एक टॉपिक और बनाते हैं, कोई चीज़ जो ए से दिख रहा है, कोई भी चीज़ ए से अगर हमको दिख रहा हो, हाँ अकॉर्डिंग को सपोज आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, आ जाएगा, और ये है पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 हमने कर ले लिया। फिर हमको बनाना है बी से कुछ टॉपिक्स, तो बी से तो कोई टेक्स्ट दिख नहीं रहा है, सी डी, चलिए यहाँ पे मैंने सी से ये कर लिया कंप्यूटर को, तो आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, ये भी है पेज नंबर 2 पर ही भी। ओके, आ जाते हैं पेज नंबर 3 पे, यहाँ से कुछ टॉपिक ले लेते हैं, डी ई मान लीजिए एच हमने लिया, हार्डवेयर क्लिक किया, ये है पेज नंबर 3 पे। ठीक, पेज नंबर 3 मार्क, देन पेज नंबर 3 पे मान लीजिए हमने ले लिया आर, आर से, और ये भी है पेज नंबर 3 पे। ओके मार्क, आते हैं पेज नंबर 4 पे, यहाँ पे हमने ले लिया डी से क्लिक किया, और ये पेज नंबर 4 पे है मार्क। एक टॉपिक हमने ले लिया एल से, पेज नंबर 4 ही रहने दे देते हैं मार्क। पेज नंबर 5 पर आते हैं, एस से लिया टॉपिक क्लिक किया, और यहाँ पे कर दिया पेज नंबर 5 मार्क। पेज नंबर 5 से एक 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 टॉपिक लिया हमने, कोई भी पीडीए पी से ले लिया क्लिक किया, और मार्क 5 पर। ओके, तो ये हमने कर ली एंट्री और क्लोज किया, तो एंट्री हमने सारी की सारी कर ली, और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ वो लगा है इंडेक्स उसके आगे इस टाइप का टेक्स्ट लिख दिया है, इंडेक्स की एंट्री हो गई है। ठीक, क्योंकि हाइड एंड शो ये ऑन हो गया है, आप होम पे जाके इसको ऑफ कर सकते हैं, अभी देखिए दिख नहीं रहा है। अब इंडेक्स कहाँ होता है, पेज के लास्ट में होता है, तो लास्ट पेज पे जाने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एंड, आ गए, और बिब्लियोग्राफी के ऊपर लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिख दिया कि इंडेक्स एंट्री, इसके बाद आइए देखते हैं, ये हो गया इंडेक्स एंट्री, मार्क की एंट्री हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करना है। कहाँ पे, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे, ये तो यहाँ पे ये देखिए इसका टेम्पलेट है, क्लासिक क्लासिक में इस टाइप का दिख रहा है जो कि नॉर्मली बुक में होता है, तो तरह तरह के फॉर्मेट्स हैं, मैं क्लासिक कर रहा हूँ, आप अदर फॉर्मेट को करके चेक कर लेना, और ओके हमने किया। टेबल ऑफ कंटेंट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है, इंसर्ट इंडेक्स, तो
तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, क्लासिक और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, बी से जुड़े हुए, ये टॉपिक वाइज बना दिया है। ए में देखिए हमने दो दे दिया था, तो ये अकॉर्डिंग और ये दिख रहा है। अच्छा ये देखिए जैसे जैसे बोल्ड है यहाँ पे बोल्ड भी दिख रहा है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल रेफरेंसेस के लिए। अब मुझे लगता है कि आप जो है एक बुक को तो पब्लिश कर ही सकते हैं, जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।